सबों को मेरा प्रणाम नमस्कार। आज बहुत ही अच्छा अवसर है, बसंत पंचमी पे आप सबको मेरी शुभकामनाएं। और बहुत ही खुशी हो रही है कि विपिन शर्मा जी के लिए आज यहाँ पर आने का मौका मिला है। इन्होंने काफी कुछ अपने खुद के बारे में बता ही दिया है और इतना बताया है कि अभी कुछ बताने के लिए रह नहीं गया है, लेकिन इनकी एक खासियत है कि इनकी जो मिठाइयों की दुकान के बारे में मैं सुन के आ रही हूँ, तो आप सबने हीरा मिठाई खाई है ना? जितनी मीठी इनकी मिठाई है उतने ही सभ्य और सुशील और इतने अच्छे कैंडिडेट आपको ये मिले हैं। तो इन्होंने जो इस एरिया के लिए, क्षेत्र के लिए काम किया है, जो इनके पिताजी ने काम किया है, मैं नहीं समझती कि दूसरे और कैंडिडेट ने किसी ने भी काम किया है, बिकॉज दूसरे तीनों कैंडिडेट यहाँ के, इंक्लूडिंग विपिन शर्मा जी, यहाँ से एमएलए रह चुके हैं, और भी दूसरे दो कैंडिडेट भी यहाँ से एमएलए रह चुके हैं, और आपने देखा है, आपने तीनों पार्टियों का भी काम देखा है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि कांग्रेस पार्टी ने जो, और रामबाबू शर्मा जी ने जो काम किया है विकास का दिल्ली के लिए, रामबाबू शर्मा जी दिल्ली के अध्यक्ष भी रहे हैं, दो बार के यहाँ से एमएलए भी रहे हैं, और जो इनके नेतृत्व में पुल भी यहाँ पर बना है 107 करोड़ का, इसके अलावा कम्युनिटी हॉल भी बना है, कम्युनिटी सेंटर बना है आप लोगों के लिए, और बहुत सारे ऐसे कार्य किए हैं इनके पिताजी ने, बहुत सारे, मेरे ख्याल से अधिकतर दिल्ली में जितने ओल्ड एज पेंशन है ये सबसे ज्यादा इन्होंने ही करवाए हैं। तो ये लोग कार्यशैली में विश्वास रखते हैं, इन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य किया है, और सबसे ज्यादा आज एक खुशी की भी बात है कि आज वसंत पंचमी नहीं है, लेकिन साथ साथ में दुख की भी बात है कि आज के दिन बापूजी की पुण्यतिथि है, और बापूजी का क्या क्या कहना था, उन्होंने यही कहा था ना कि अहिंसा के मार्ग पे चलिए, तो ये बीजेपी क्या कर रही है, एक तरह से उनकी कथनी कुछ और है और करनी कुछ और है। तो किस तरह से आप देख रहे हैं कि दो दिन पहले इनके मंत्री ने क्या भाषण दिया था और क्या कहा था कि गोली मारो इसको, चेंग, 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 नहीं नहीं, मैं इसको जाति विशेष इसीलिए नहीं बनाना चाहती, क्योंकि मैं ये आपको सच्चाई से अवगत कराना चाहती हूँ कि असम में जो आज का मुद्दा जो चल रहा है ये सीएए एनआरसी को लेके, तो असम में जो ये प्रक्रिया हुई थी तो एक तरह से झूठ कहा जा रहा है, जो सीएए और एनआरसी को लेके जो प्रक्रिया हुई थी उसमें 19 लाख लोग छूट गए थे, और 19 लाख लोग में से मेरे ख्याल से 3-4 लाख ही मुस्लिम भाई होंगे, बाकी सब हमारे हिंदू भाई बहन है, कम से कम 16 लाख। तो आप ये सोचिए कि 16 लाख लोग रह गए हैं, और जो ये झूठी बात करते हैं कि सीएए में नागरिकता लोगों को देने की बात है, तो ये आज की बात नहीं है, ये कई सालों से, कई वर्षों से चलता आ रहा है, और लोगों को नागरिकता मिलती आ रही है, ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन नई बात ये है कि इसे जाति विशेष किया जा रहा है, कहा जा रहा है। सबसे बड़ी बात और ताज्जुब की और आश्चर्यजनक ये बात लगती है मुझे कि जिसके सरकार में, भारत सरकार में सबसे ज्यादा हिंदू मंत्री हैं, सारे ही हिंदू मंत्री हैं, फिर हिंदुओं को किस बात की चिंता है? ये लोग सब झूठ फैला रहे हैं, आपसी भेदभाव खत्म कर रहे हैं, एक भाईचारे का जो माहौल है ये खत्म करना चाह रहे हैं, जो मैं नहीं समझती कि ये एक सही बात है। आज के दिन मैं इसके बारे में इसलिए बात करना चाहती हूँ क्योंकि ये बापूजी की पुण्यतिथि का दिन है, और हम सबको बटना नहीं है इस तरह से, जितने ये कैंडिडेट मीठे हैं, इनका ये हीरा स्वीट है, ऐसे ही खा खा के मीठे बोल बोलना है, मीठे रहना है और सभ्य रहना है एक दूसरे के साथ में काम करके। आपको ऐसे एक कैंडिडेट को चुनना है जो आपके लिए, आपके क्षेत्र के लिए काम करेगा। जो एमएलए कैंडिडेट अभी इस क्षेत्र की है वो आप सबको पता है कि वो बाहर से आई थी, कन्नौज की थी मेरे ख्याल से,
उनका जहां तक मुझे पता चला है कि उनका ऑफिस भी नहीं खुला है अभी तक इस एरिया में और कुछ काम भी नहीं किया है। तो मैं महिला हूँ, कभी महिला के बारे में ऐसी बात नहीं करूंगी, लेकिन आपको पता है कि आप पार्टी में महिलाएं कितनी सुरक्षित है, आपको पता चल रहा है जहां जहां पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा है वहां जाके कोई गन लेके जा रहा है, तो यूनिवर्सिटीज में छात्राओं पर और छात्रों पर किस तरह से प्रहार हो रहा है। तो हमें ये सब रोकना है, बच्चे हमारे देश का भविष्य है। और अगर दिल्ली में किसी ने अच्छा कार्य किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। आज आप जो दिल्ली को देख रहे हैं, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये एक मेट्रो सिटी ऑफ द वर्ल्ड हो गया है और किस तरह से इसने वर्ल्ड क्लास नाम कमाया है, और जो आपने ब्रिजेस देख रहे हैं, फ्लाईओवर देख रहे हैं, मेरे ख्याल से यहाँ का भी जो प्रगति हुई है वो इनके पिताजी और इन्होंने ही करने में ये सक्षम रहे हैं। तो मुझे बहुत खुशी की बात ये लगती है कि आपको एक अपने ही परिवार का सदस्य मिल रहा है। इन्होंने बार बार कहा है चाहे आप मुझे जिताओ लेकिन जितना जरूरी है ना। आज के दिन ये बहुत ही अच्छा दिन है, मुझे ये अवसर मिला कि आप सबसे मैं मिल पाऊं, और साथ में ये भी है कि हमें आपसी भाईचारा बनाए रखना है क्योंकि दिल्ली मोस्टली एक शांतिपूर्वक जगह रही है और हमें कोई भी ध्रुवीकरण के मामले में बातों में नहीं आना है। कई सारे भाजपा के मंत्री हैं, सीएम हैं, जो जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, क्योंकि मैं ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी हूं तो मैं महिलाओं के बारे में जरूर एक शब्द कह के जाऊंगी कि किस तरह से महिलाओं के साथ में, किस तरह से छात्राओं के साथ में दुर्व्यवहार हो रहा है, किस तरह से भारत सरकार में जो एक रवैया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नजरिए से होना चाहिए, तो उनके ही उत्तर प्रदेश के सीएम आके कहते हैं, क्या कहते हैं कि मर्द साले रजाई ओढ़ के सो गए हैं और औरत चौराहे पे आ गई है। तो आपकी माँ बहनों को ये चौराहे पे लाने की बात कर रहे हैं। तो ये सारे शब्द और उपशब्द ये मंत्रियों ने नहीं इस्तेमाल करने चाहिए, और मुझे नहीं लगता कि कैसे ऐसे कोई शब्द विपिन जी के मुंह से कभी निकल सकता है। तो इसीलिए मैं यही चाहती हूँ कि आप अपने परिवार का सदस्य चुनिए और ऐसे सदस्य को चुनिए जो ट्राइड एंड टेस्टेड हैं, जिन्होंने आपके लिए बहुत कुछ, आपके एरिया के लिए, आपके यू नो परिवारों के लिए बहुत कुछ किया है। आपकी कितनी लेडीज के लिए उनको पेंशन, यू नो ओल्ड एज पेंशन मिली है, तो बहुत बहुत धन्यवाद होगा आपका कि आप, हम क्यों आते हैं यहाँ पर, सिर्फ यही बताने आते हैं कि आपका कैंडिडेट जो है, ये कैंडिडेट आपको जो ऐसे मिला है, इसका अवसर मत खोइएगा। और अगर दिल्ली में वाकई में किसी भी पार्टी ने अगर दिल्ली को काम करके बताया है, जाते जाते एक ही शब्द कह के जाऊंगी कि एमसीडी में बीजेपी 13 साल से है, और 13 साल से आपने देखा है, अभी मैं पीछे के रास्ते से आ रही थी, कचरा ही कचरा भरा पड़ा है। दूसरे भी एरिया में, एक लवली जी के एरिया में गई थी, वहां पर भी पूरा कचरा भरा पड़ा है। तो ये बताइए आपके 13 साल से ये एमसीडी में बीजेपी क्या कर रही है और क्यों कुछ नहीं कर पाई है। तो ऐसे बहुत बहुत सवाल हैं, जो आम आदमी ने भी कहा था कि हम स्वच्छ पानी देंगे लेकिन पानी फ्री देंगे, लेकिन पानी कितना खराब आ रहा है ये भी सब देख रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी किस तरह से उन्होंने कहा है और क्या हो रहा है, और महिलाओं के लिए अभी इस दौरान बस फ्री है लेकिन इसके बाद होगा कि नहीं होगा, और हर चीजों के लिए इनके पास एक जवाब होता है। सीसीटीवी कैमरा भी इन्होंने कहा था कि हम लगाएंगे लेकिन अब तक लगा नहीं है क्योंकि सरकार हमें सहयोग नहीं कर रहा। तो ये सब कंप्लेन और कंप्लेन और कंप्लेन ही करते रहते हैं। तो इसलिए बहुत अच्छा मौका है और बहुत अच्छा दिन है, ये मौका मत खोइएगा। 8 तारीख को, आने वाली 8 तारीख को हाथ के पंजे का साथ दीजिएगा, क्योंकि यही पंजा है जिसने हमेशा आपका साथ दिया है और सबको साथ रखा है, अमन और शांति बरकरार रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद है कि विपिन शर्मा जी जब जीतेंगे तो मुझे बुलाएंगे और आप सबके बीच में एक बार मैं फिर आऊंगी। वसंत पंचमी की एक बार फिर से सबको शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद। मैं विपिन शर्मा जी से प्रार्थना करूंगा कि नगमा जी का स्वागत करें, और नगमा जी हमारे बीच में आई, हम उनका धन्यवाद करते हैं। भारती जी भी हमारे बीच में आए, हम उनका धन्यवाद करते हैं, और सभी लोग हमारे बीच में आए, आप सभी का धन्यवाद करने के लिए मैं भारत कौशिक जी को बुला रहा हूं।
भारत कौशिक जी आए, धन्यवाद करें ब्लॉक अध्यक्ष भारत कौशिक जी। मैं अपने सभी भाइयों का हाथ जोड़कर अभिनंदन करता हूं जिन्होंने आकर हमारी शोभा को बहुत उत्साह दिया और हम आपसे